एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन तुसी बड़ा वधिया पूछ लिया जी। असी जदों बनाई सी नॉर्थ जोन फिल्म एंड टैलीविजन आर्टिस्ट एस नजफ्टा जी नूं कहिंदे सी, उहदा नाम चेंज किया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन सी कि पंजाबी सिनेमा के नाल जुड़ता हुआ नाम नहीं सी ये वाला, इस करके उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के इहदी रजिस्ट्रेशन बकायदा चेंज कराई गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कराया गया बैंक अकाउंट वगैरह में। जिहड़ी नजफ्टा है हुण पफ्टा के नाम नाल जानी जाती है, पंजाबी फिल्म एंड टैलीविजन आर्टिस्ट एसोसीएशन। यही रिक्वेस्ट की गई है कि बहुत बड़ा दुखांत पंजाब वापरिया है और लोगों ये सदमा पंजाब के लोगों कल्या नहीं लगा, पूरे देश के दे या पूरे संसार पता नहीं कितने कितने वे चाहण वाले बैठे से उन्होंने सदमा लगा और लोगों ये कितने ना कि महसूस हो रहा कि शायद अजे जो ये दुखान के पिछे लोग सन उन्हें तक पहुँचा नहीं जा सकया या अजे तक उस परिवार को उन्होंने माँ बाप को इंसाफ नहीं मिल सकया, वो फैनस न अजे तक इंसाफ नहीं मिल सकया। इस करके साड़ी आर्टिस्ट एसोसीएशन जिहड़ी है वो सरकार नू गुहार ला रही है कि जिन्नी तेजी नाल काम हो सकता करके लोगों नू किते ना किते ये भरोसा दवाया जाए कि जे कोई इस तरह का घटनाक्रम होया तो सरकार उन्हें सिट्टे तक लैके गई है और वो परिवार को किते ना किते सुकून मिले। हाँ बिल्कुल हो सकते सी, ये दो कारण ने जी। एक तो अजे फिल्म इंडस्ट्री कोविड तो बाद उन्नी अपने मोशन च अजे आई नहीं पूरी, कितने कितने कोई फिल्म लगती है वह भी कोई चल जाती कोई नहीं, अजे आप स्पीड वापस फड़ रहे हैं। सो लाइफ के वापस अजे कलाकार अपनी आ रहे हैं। और दूसरा ये कि असी बहुत जल्दी दे मीटिंग रखी सी क्योंकि इस तो बाद असी चाहते सी कि साडे नवे प्रधान साहब जिनी जल्दी आके इस जिम्मेवारी सामभ लैन तो उन्नी एक्टिवली आप काम कर पावे। तो मैं लगता जी कि अज तो बाद इन्हां दी जिम्मेवारी करमजीत अनमोल होना की शुरू हो जाती है। तो इस करके असी जिन्ने का आर्टिस्ट अवेलेबल सी असी उन्नियां के नाल संपर्क करके उन्नियां नूं बुला के असी चाहते सी कि सैरामनी हो जाए, करी कार्रवाई हो जाए, अगला इजलास होएगा सारे आउणगे। उहदे च नहीं एक जिहड़ा प्रधान बन जांदा ना जी वो मेरे ख्याल नाल उहदी जिम्मेवारी कदे भी नहीं खत्म होंदी अपनी ऑर्गेनाइजेशन वास्ते। फिर जरूरी नहीं कि वह प्रधान सी ते काम करदा सी, वो इस तरह जुड़ जाता है उन्होंने अपना लगन लग जाता ना, इन्ने साल इन्नी मेहनत की होंगी है वो लगन लग जाता कि असी आप ही ये चीज़ पैदा की, असी इनू पाल पोस के एडा वड्डा कीता, चाहे उन्हूं तुसी कोई अहुदा भी ना दिओ वो बतौर मैंबर भी उस तरह काम करता रहेगा जिदा प्रधानगी दे दौर च कीता सी। जिम्मेवारी चाहे मिल गई निभाउणगे यही इन्हां दी छत्रछाया हेठ ही भाजी उन्हां दी हेठ ही हर एक गल होगी, इन्हां दी रहनुमाई हेठ ही होगी, ये जिवें कहणगे ये गाइड करनगे उदां दा ही काम होगा। तो बाकी साढ़े सिर ते बैठे ने यह दसण वाले सारा कुछ उम्मीद करांगे जी जी जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दिती है जी मुबारकबाद। तो बाकी इंडस्ट्री भी जिहड़ी 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 इंडस्ट्री दा मतलब आपां नूं एक लोड़ है इंडस्ट्री इत्थे पंजाब, क्योंकि लोग जिहड़े साउथ दे भी इत्थे आउंदे आ फिल्मां करन ते बॉलीवुड भी इत्थे आउंदा, तां एक सानूं इंडस्ट्री लई जगह चाहीदी है, वो प्रोवाइड कर रहे ने पहलां, इस तों पहलां भी गल हो गई ते उहदे विच सारे ही, क्योंकि सानूं साडे नौजवानां नूं साडे हर एक वर्ग नूं उत्थे काम मिलू, इह नहीं कि कल्ले कलाकारां नूं, कई बंदे ने मझां पाईआं हुंदियां मझां हुंदियां ने उहनां नूं भी, कई भेड्डां भी रखी हुंदियां जिहनां नूं उत्थों तक भी कम मिलेगा उहनां नूं, क्योंकि कई फिल्मां दे विच तुसीं देखिआ कि कितने बकरियां चाहिए कितने मुर्गियां चाहिए कितने कबूतर चाहिए है, वह जो लोगों को भी काम मिलेगा, हालांकि हुण भी मिल रहा है पर वो उस पद्धर ते नहीं, जदों साडी इत्थे इंडस्ट्री आ गई तो सानू भी कितने होर जाण दी जरूरत नहीं, तो वो उन्हां कोले मंग ऑलरेडी असी पहला रखी हुई है। सवाल नहीं है जी, डिस्कशन ही है, एक चीज़ असी देखी आ जे जो फिल्म रिलीज़ होती है ना उसकी पायरेसी प्रिंट बहुत आ जाता है जी, तो कितने ना कि आप नुकसान हो रहा है, तो मैं मतलब एक डिस्कशन ही आए देखो जी, गल कर रहे हो कि फिल्म आने तो पहला
ਉਹਦੀ ਪਾਇਰੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਲਾਅ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ 12 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਏ ਤਾਂ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਔਜ਼ੀ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਗੈਪ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।